अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं मुस्लिम रज़ा, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। दोस्तों, ईद के दिन आपको ये 17 काम ज़रूर करना है, क्योंकि शरीयत में ये 17 काम मुस्तहब हैं। नंबर 1, बाल काटना। ये काम आप ईद से 1 या 2 दिन पहले ही कर लें। नंबर 2, हाथ और पैर के नाखून काटना। नंबर 3, गुस्ल करना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, अच्छे कपड़े पहनना। नंबर 6, अंगूठी पहनना। नंबर 7, खुशबू लगाना। नंबर 8, फज्र की नमाज पढ़ना। नंबर 9, ईदगाह या मस्जिद में जल्दी जाना। नंबर 10, ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा करना। नंबर 11, ईदगाह या मस्जिद को पैदल जाना। नंबर 12, एक रास्ते से ईदगाह या मस्जिद को जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 13, ईद की नमाज के लिए जाने से पहले कुछ खजूरें खा लेना, मगर ध्यान रखें कि 3 या 5 या 7 खजूरें खाएं। अगर खजूर ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा लें। नंबर 14, ईद के दिन खुशी जाहिर करना। नंबर 15, ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना। नंबर 16, ईदगाह को इत्मीनान और वक़ार और नीची निगाह किए हुए जाना। नंबर 17, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देना। और एक बात का ध्यान रखें कि रास्ते में तकबीर बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शिफा नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ शाम 6 बजे इसी तरह की एक वीडियो लेकर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम।